हमारा जो बरसेम का चारा था अभी काफ़ी बड़ा हो चुका है। मोबाइल फ़ोन जो है क्यूम बेल का काफ़ी अच्छा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह ताला की रहमत करम फसल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। मैं हूँ ईशान सलीम अपने चैनल ईशान सलीम व्लॉग के साथ। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, शुक्रिया। चलते हैं जी आज के व्लॉग की तरफ। 2:40 हो चुके हैं, आज है जी जुमा का दिन। जुमा के दिन सबको बहुत बहुत मुबारक हो। तो अभी मैं जुमा की नमाज़ अदा करके अभी अभी आया हूँ जी घर। जिला मोड़ में नमाज़ अदा की है जुमा की। तो आपको दिखाते हैं जी ट्रैक्टर जो है। कल मैं ज़मीन तैयार करने गया था, आधा एकड़ जो गंदम की ज़मीन तैयार कर दी है। 1 एकड़ तो पहले गंदम लगा दी गई है और आधा एकड़ कल लगाई थी। तो ट्रैक्टर देखें जी, काफ़ी इसके टायर्स पर ये गारा लग गया है क्योंकि ज़मीन काफ़ी गीली थी, इसलिए इसके टायर ख़राब हो गए हैं। ऊपर से भी काफ़ी ख़राब हो गया है। ये ट्रैक्टर का अलहदा से रूम बनाया हुआ है, तो इसमें ट्रैक्टर को खड़ा करते हैं। तो इरादा है कि इसके आगे को पर्दा वगैरह लगा दें क्योंकि धूल मिट्टी अंदर काफ़ी चले जाती है ट्रैक्टर के ऊपर। अभी ये थैला साथ में ही लटकाया हुआ है जिसके साथ अबू जान ने गंदम का बीज डाला था ज़मीन में, तो अभी इसको उतार लेते हैं और अंदर रखते हैं। तो अभी थैला जो है यहाँ स्टोर रूम में रख देते हैं। तो जी कर दिया बंद। बहन भाई आज अपने ससुराल के घर गए हैं क्योंकि वहाँ पे दावत थी उनकी। तो अभी 2 या 3 दिन बाद आएंगे घर काम के लिए। जो हम सब ने अपने एक एक अलहदा जूते लिए हुए हैं, जब भी किसी ने कुछ काम करना, गोबर उठाना या चारा वगैरह लेने जाना, जो भी हमारा काम है, तो उसके साथ एक जूता अलहदा रखा हुआ है हर एक ने, क्योंकि पाँव ख़राब नहीं होते और वैसे बचत हो जाती है फिर। ये देखें जी, ये एक जूता वो पड़ा, एक ये और एक वो आता भाई का। मेरा जो है उस साइड पे रखा हुआ होता है, मैंने अलहदा ही अंदर। तो आपको दिखाते हैं अभी, ये देखें जी इस साइड पे पड़ा हुआ है मेरा जूता। अभी काफ़ी इसमें पानी वगैरह चला गया है। आज जुमा का दिन था और सारे घर की सफाई की, सारे घर को धो दिया एक बार। तो जुमा के दिन हर जुमा जो होता है उस दिन घर की सफाई की जाती है और घर की धुलाई की जाती है। अभी देखें जी सेन में भी सारा सेन भी धुला हुआ है। साका भाई जो है स्कूल नहीं गए क्योंकि कुछ मैचेस हो रहे हैं इनके स्कूल में, तो अभी साका भाई से पूछते हैं। हाँ जी साका भाई, स्कूल क्यों नहीं गए? स्कूल में काफी दिन से मैच हो रहे हैं, इसलिए कल सेमीफाइनल था, आज फाइनल है वॉलीबॉल का, तो इसलिए मैंने कहा बढ़ाई कल भी नहीं हुई। कहते हैं 4-5 दिन तक बढ़ाई नहीं हुई है। साका भाई कह रहे हैं कि कुछ दिनों से मैचेस जो हैं स्टार्ट हैं स्कूल में, इसलिए पढ़ाई इतनी ज़्यादा नहीं हो रही, इसलिए नहीं गया स्कूल। तो आज फाइनल मैच था हमारी जो स्कूल की टीम है सागर भाई के स्कूल की, उसका मैच था तांदले स्कूल से और जीत गए कल सेमीफाइनल। और आज जो है फाइनल था, आज पता नहीं, सुबह सागर भाई जाएंगे स्कूल तो पता चल जाएगा जीते हैं या हार गए हैं। बाहर मस्जिद के साथ काफ़ी दिनों की हमने एक ट्रॉली पठान से डलवाई थी मट्टी की, तो अभी ये नहीं टाइम मिला कि इसको साथ में थोड़ा लेवल कर दें। वो है सामने साथ मस्जिद की दीवारों के, क्योंकि काफ़ी नीचे था उस साइड से, तो इसको अभी लेवल कर देंगे। 3:30 का टाइम हो चुका है, अभी भाई निकले हैं जी, सूरज जो है सामने उस तरफ, तो अभी आता भाई हैं साथ में, इधर आए भाई। देखें साथ में ये नाला चल रहा है, नहरी पानी आज आया हुआ है। जो सब्ज़ी हमने कुछ दिन पहले लगाई थी, शायद 1 वीक हुआ है, सब सब्ज़ी आलू मटर हर चीज़ लगाई थी सब्ज़ी की, थोड़ी थोड़ी घर खाने के लिए, क्योंकि ताज़ा चीज़ें जो घर की होती हैं खाने के लिए उनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। भी आपको दिखाते हैं जी, नाला पहले पार कर लें, इस तरफ देखें जी कुछ निकल चुकी है, अभी देखना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि अभी थोड़ी थोड़ी निकली है, ये देख सकते हैं जी। और उस तरफ लहसुन आपको दिखाते हैं, लहसुन जो है वो पहले निकल आता है, उसकी ग्रो पहले हो जाती है क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो पहले ग्रो करती है, ये देख सकते हैं अभी निकला हुआ। ये 3 क्यारे लहसुन के थे, साथ में उस तरफ आलू लगाए थे और बाकी इस तरफ बाकी सब्ज़ी। तो जब सब्ज़ी लगाई थी उस वक्त इसको पानी लगाया था और अभी इरादा है कि 1-2 दिन तक इसको फिर पानी लगा दें। अभी तो काफ़ी तार है जी, तो कुछ दिनों में इसको फिर पानी लगा देंगे।
हमारा जो बरसेम का चारा था अभी काफ़ी बड़ा हो चुका है। सामने ये जो है ये और लोगों का है बरसेम का चारा, इस तरफ हमारा। अभी अबू जान ने दूसरा पानी जो बरसेम के चारे को लगा दिया, साथ में DAP खाद जो है वो भी दी है। DAP खाद की जो बोरी है 9000 के करीब पहुंच चुकी है। इतनी ज़्यादा महंगी खादें हो चुकी है। अभी गंदम को भी खाद देंगे तो कुछ पैसे सरफ करना पड़ेंगे, फिर ही खेती होगी। ये देखें जी सर, सब्ज आधा एकड़ है सेम के चारे का। अभी कुछ मकई वगैरह भैंसों को डाल रहे हैं, जैसे ही ये चारा बड़ा होगा फिर ये डालेंगे भैंसों को। आज नाले में पानी आया है तो कुछ सुराख हो गया है, फिर से पहले भी एक सुराख हो गया था। कुछ पानी इस तरफ चला जाता है जहाँ पर आता भाई जो गोबर फेंकते हैं तो काफ़ी मसला होता है, साथ में भैंसें भी उस तरफ बांधते हैं तो इसलिए पानी जो खड़ा हो जाता है काफ़ी मसला बन जाता है। कुछ कोई सुराख है मेरे ख्याल से इस तरफ, पहले भी अबू जान ने बंद किया था और फिर से शायद पता नहीं चल रहा कि कहाँ पर है सुराख, अभी दिखाई भी नहीं दे रहा। थोड़ा थोड़ा पानी जो है जा रहा है उस तरफ, वो देखें उस साइड पे अभी गया हुआ है पानी, साथ में गोबर फेंका हुआ है उस तरफ जो पैसे बांधते हैं। मट्टी जो करा के साथ कुछ उस तरफ से लेकर आए थे, अभी मट्टी इस तरफ से तो लेवल हो चुकी है दीवार के साथ, लेकिन ये जो पाइप हैं इरादा था कि ये मट्टी के साथ इनको डांप दें तो काफ़ी ख़तरा होगा, अगर किसी बच्चे वगैरह ने गेंद इनके साथ मार दी या और कोई चीज़ लग गई तो टूटने का ख़तरा है, प्लास्टिक के हैं इसलिए। तो इनके ऊपर अभी कोई मिट्टी डालेंगे। अतः भाई जो है लकड़ियाँ कुछ लेकर आए हैं चूल्हे में जलाने के लिए, काफ़ी बड़ा है छापा तो इसको लेकर जाएंगे। अतः भाई इसको थोड़ा काट लेना था भाई रे, यार कच्ची है ऐसे ही बस तोड़ तोड़ के लगा लेंगे चूल्हे, वैसे इस तरह टूट जाएगी तोड़ के लगा लेंगे। अभी पी रहा हूँ जी खालस भैंसों का दूध जो हमारी भैंसों का है। दूध तो काफ़ी मिल जाता है सिटी में भी मिल जाता है हर जगह, लेकिन जो खालस दूध होता है अपनी भैंसों का उसका तो अपना ही मज़ा है। हमारे घर से भी कई लोग लेकर जाते हैं सिटी वाले, उनको अगर सिटी से वो लोग लें तो उनको काफ़ी महंगा मिलता है और खालस भी नहीं मिलता, पानी वाला मिलता है, लेकिन जो घर का दूध होता है वो तो उसकी तो क्या बात है। पहले चारा दोपहर को भैंसों को डाल दिया था, लेकिन अभी चारा कुछ कम है और काटेंगे क्योंकि शाम के लिए जो अभी डाल देंगे और सुबह जो फजर टाइम भैंसे बांध देंगे खुरलियों पर। तो अभी आता भाई और मैं चारा काट देंगे, बांध हैं और साथ में छोटी छोटी मकई चारा है तो वो साथ में काटेंगे। अभी टोके वगैरह आता भाई तेज़ कर लिए और तेल भी लगा लो इस मशीन को पीछे या थोड़े से कर लें बस, थोड़े टोके पीछे कर लें और फिर करते हैं स्टार्ट बस। करके कई मोबाइल पहले ख़राब हो चुके हैं, लेकिन अभी जो मोबाइल चल रहा है वो है जी क्यू मोबाइल, क्यू कंपनी का है जो जैन भाई ने लिया था जी शॉप में लोड वगैरह करने के लिए। तो इसमें 4 सिम्स डाली जाती हैं, तो जैन भाई ने पहले शॉप बनाई हुई थी करियाना के साथ में, लोड वगैरह भी करते थे, लेकिन अभी तो शॉप बंद कर दिया क्योंकि ठीक चली नहीं, अभी और कोई कारोबार स्टार्ट करेंगे। मोबाइल फ़ोन जो है क्यू मोबाइल का काफ़ी अच्छा है, 4 सिम्स हैं देख सकते हैं, 4 ऑप्शंस हैं, 2 अभी डाली हुई हैं टेलीनार की और 2 अभी डालने वाली हैं, तो अपनी मर्ज़ी ही है। वैसे तो 4 सिम्स डाली जा सकती हैं, काफ़ी अच्छा मोबाइल है, पहले और भी कई मोबाइल लिए थे लेकिन ये मोबाइल काफ़ी अच्छा है। पहले जो लिए थे वो सेकंड हैंड थे, लेकिन ये जो मोबाइल लिया था ये डब्बा पैक था, शायद 2500 के करीब मिला था। अभी तो काफ़ी महंगाई हो चुकी है, अभी 3-4 हज़ार का मिलेगा, बल्कि मिलेगा ही नहीं क्योंकि भाई ये तो वैसे ही बंद हो गया होगा। अभी न्यू मॉडल आ गए हैं और कई सारे, अभी ये वाला तो बंद हो गया होगा। तो अभी रात हो चुकी, काफ़ी टाइम हो चुका है, तो अभी मगरिब की नमाज़ पढ़ के आया हूँ मैं। तो इसके साथ ही आज का व्लॉग करते हैं जी ख़त्म। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, निशान सलीम को दीजिएगा जी इजाज़त का। अल्लाह हाफिज़।